तो वही कंप्यूटर किसने बनाया है? चार्ल्स बैबेज ने बनाया है। चार्ल्स बैबेज कहाँ गए थे? ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कल मैं बात कही आया था कल या परसों, डायनेमो। डायनेमो किसे कहते हैं? जनरेटर। डायनेमो किसे कहते हैं? जनरेटर को। और ये बनाया था माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने बनाया था। और जो माइकल फैराडे थे ये थे इंग्लैंड के। ठीक, ये बात है, पहले भी कह चुका हूँ कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में और यूके में क्या डिफरेंस होता है, कह चुका हूँ या नहीं कह चुका हूँ? इंग्लैंड क्या है? एक कंट्री है, उसकी राजधानी क्या है? लंदन। जबकि ब्रिटेन में आ जाती है दो कंट्री, कौन कौन सी? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक, फिर आता है ग्रेट ब्रिटेन, उसमें एक कंट्री और आ जाती है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। अब तीन हो गई। और यूके में आ जाएंगी चार कंट्री, वो आ जाएगा नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। ये डिफरेंस होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि जो ये माइकल फैराडे थे कहाँ गए थे? इंग्लैंड के। लेकिन ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं है तो फिर ब्रिटेन होगा, तो उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन बताना कि भाई तो इंग्लैंड बताया था, यहाँ ब्रिटेन क्यों लिख रहा है, यहाँ ब्रिटेन क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन हुआ करता था, अब कोई यूज नहीं करता। फाउंटेन पेन किसने बनाया था? वाटरमैन। बड़ा ही आसान सा है, फाउंटेन पेन, वाटरमैन, दोनों सुनने में जैसे लगते हैं। और ये था अमेरिका का, ये कहाँ का था? अमेरिका का। दोबारा रिपीट करूँगा, अभी मैंने कहा ना, वैसे तो 50 ही हूँ, मैं तो आपसे 5-7 पूछूंगा जो मुझे लगते हैं कि हैं, आ चुके हैं, आए हैं एक आध नंबर में। नेक्स्ट है, टेलीफोन किसने बनाया था? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, टेलीफोन, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने। और ग्राहम बेल भी कहाँ के थे? अमेरिका के थे, यूएसए के थे। उसके बाद है टाइपराइटर, ये कई बार आ चुका है। टाइपराइटर जो हुआ करता था वो भी गायब कर दिया, तो कंप्यूटर ने, कंप्यूटर ने सब चीज़ गायब कर दी। टाइपराइटर, इसका नाम है टेरी, टेरी, टेरी ने बनाया था। और ये था इटली का, कहाँ का था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, स्पेशली टाइपराइटर वाला। नेक्स्ट है थर्मामीटर, थर्मामीटर जो बनाया था, बुखार नापने वाला थर्मामीटर, ये था गैलीलियो, गैलीलियो। और ये गैलीलियो भी कहाँ का था? इटली का ही था। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, अभी जो डायनेमो की बात हुई थी वही सेम क्वेश्चन है। डायनेमो भी माइकल फैराडे ने बनाया था, ट्रांसफार्मर भी माइकल फैराडे ने बनाया है। और माइकल फैराडे कहाँ का बताया था? ब्रिटेन का या इंग्लैंड का, जो भी हो एक ही बात हुई, तो मैंने बता दिया आपको। ट्रांसफार्मर की बात है तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, बता दो थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में। एक को तो कहते हैं स्टेप इन, और एक को कहते हैं, सॉरी, एक को कहते हैं स्टेप अप, एक को कहते हैं स्टेप डाउन। तो जो बड़ी लाइन आती है 11,000 की या 33,000 की, तो वो सीधे हमारे घरों में तो नहीं पहुंच सकती, तो वहाँ पे जो खंभों वगैरह के पास या गली के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है, तो उस वोल्टेज को कम करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो 240 वोल्ट चाहिए और फिर वोल्टेज हमारे पास आएगी, वो स्टेप डाउन होता है। लेकिन कुछ कंपनियाँ, कुछ फैक्ट्री ऐसी होती हैं जहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, है ना, तो वहाँ पे क्या लगाए जाते हैं? स्टेप अप लगाए जाते हैं। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। और ये बनाया किसने था? माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे कहाँ का था? ब्रिटेन, इंग्लैंड का या ब्रिटेन। उसके बाद है विद्युत पंखा, पंखा, बिजली से चलने वाला पंखा, ये किसने बनाया था? तो आंसर है व्हीलर, ये भी आसान है। व्हील माने क्या होता है? पहिया, तो उसी से याद आ जाएगा, पहिया सा घूमता रहता है, व्हीलर इसका नाम है, ये अमेरिका का व्हीलर। उसके बाद है मोटरसाइकिल, किसने बनाई थी? बाइक, इसका नाम है डैमलर, डैमलर। और ये था जर्मनी का, डैमलर, जर्मनी का। उसके बाद एक और बताइए बस, रिवॉल्वर किसने बनाई थी? सैमुअल कोल्ट, सैमुअल कोल्ट,
और ये था अमेरिका, ठीक है, सैमुअल कोल्ट। एक बार आप जो मैंने बोले हैं 8-10 जो भी बोले हैं उनका रिवाइज कर लो एक बार, आप बताओ मुझे फटाफट। साइकिल किसने बनाई थी? मैकमिलन। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। उसके बाद कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज। कहाँ का था? ब्रिटेन का। उसके बाद डायनेमो किसने बनाया? माइकल फैराडे। और डायनेमो मैंने क्या बताया? जनरेटर। हल्ला भूल जाओ, जनरेटर। और माइकल फैराडे कहाँ का था? ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। उसके बाद फाउंटेन पेन किसने बनाया? वाटरमैन। कहाँ का था? अमेरिका का। उसके बाद पूछा है आपसे टेलीफोन, ग्राम बेल कहाँ का था? अमेरिका का। उसके बाद टाइपराइटर किसने बनाया था? टेरी। कैसे टाइपराइटर? कैसे टेरी। और ये कहाँ का था? इटली का। उसके बाद है थर्मामीटर, गैलीलियो। ये कहाँ का था? इटली का। उसके बाद है विद्युत पंखा, व्हीलर। अरे कहाँ का था? अमेरिका का। उसके बाद मोटरसाइकिल, डैमलर। कहाँ का था? जर्मनी का। उसके बाद पूछा है रिवाल्वर, सैमुअल कोल्ट। कहाँ का था? अमेरिका का। आ तो कोई भी सकता है, वो धीरे धीरे सब होता रहेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्पीड में सारे यही बता दूँ, है ना। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी लगती हैं, 8-10 होगी फिर हो जाएंगे, क्योंकि ये याद भी रखने हैं, ऐसे कोई पढ़ के तो काम छूटने वाला है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मिक्स चल रहा है सब कुछ, कोई सा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इन्वेंशन ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड, है ना। और जी न्यूट्रॉन की? चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन, या सिर्फ थॉमसन। तो सभी को एक लाइन याद करा दी जाती है, या होती है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच हिंदी में है शब्द, ईंट पर नाच। ये लाइन याद रखें, होगी भी शायद आपको याद। तो इनसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन, थॉमसन या थॉमसन, ठीक। प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने, ठीक। और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। इससे से लाइन याद करा दी जाती है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा इनमें से कोई एक तो कन्फ्यूजन तो हो गई, और सारे फिर ये ऑप्शन में मिलते हैं तो प्रॉब्लम आई जाती है। एक चीज और, अगर मान लिया जो प्रोटॉन वाला क्वेश्चन है ये वाला, ऑप्शन में रदरफोर्ड ना मिले तो मिलेगा गोल्ड स्टील। क्या मिलेगा? गोल्ड स्टील। तो उसकी उसकी वजह क्या है? वजह बताता हूँ अभी। गोल्ड स्टील वजह ये है कि जब भी किसी की खोज होती है, प्रयास तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन हो सकता है श्रेय किसी को एक को ही दिया जाए, लेकिन प्रोटॉन के लिए श्रेय दिया गया है दो लोगों को, गोल्डस्टीन जो थे रदरफोर्ड से भी पहले थे। तो बहुतों का तो मानना है कि रदरफोर्ड ही मुख्य धारा में थे, मुख्य व्यक्ति थे, मतलब आई मीन टू से। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि उनसे पहले जो परिकल्पना शुरू की थी वो किसने की थी? गोल्डस्टीन। इसलिए गोल्डस्टीन का नाम भी आ जाता है। तो पहले क्या मिलेगा? रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर क्या मिलेगा? गोल्डस्टीन। और ये बात हो रही है सिर्फ प्रोटॉन की, जो बीच में है, जो बीच में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने, प्रोटॉन की है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। क्लियर बात? प्रोटॉन पे जो आवेश होता है यानी कि चार्ज कैसा होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और जी इलेक्ट्रॉन पे? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है। तो हमने ये तो हमें पता है कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि चार्ज यानी कि आवेश होता कितना है? -10^-19 कूलम। जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसकी यूनिट होती है कूलम। हिंदी में कूलम बोलते हैं, इसमें कूलम बोल देते हैं, ठीक है। और ये चार्ज है तो प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही होता है, फर्क ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव, वैल्यू यही होती है।
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ऐसे समझ लो ये 16 है और 16 में 3 जोड़ के 19 आना, 16 से ज्यादा आना, ओके 16 और 3 19 आना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। उसके बाद आ गई है साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रकाश की चाल आ गई है, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। तो आप जानते हो प्रकाश की चाल कोई एक नंबर जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट का कोई एक नंबर तो जानते होगे, नहीं जानते? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन होती कहाँ है? निर्वात, क्योंकि अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, तो ये है निर्वात, और निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जो ये क्वेश्चन रखेंगे वो ये जानते हैं कि सब बच्चों को ये रटा हुआ है, ठीक, तो वो मीटर की जगह सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10⁸ और क्या आ जाएगा 100 मीटर, में जब सेंटीमीटर बनाओगे तो 3 × 10⁸ तो ये है, 10⁻² ये है, तो क्या आ जाएगा 10⁻¹० ये क्या आ गया सेंटीमीटर बटे सेकंड आ गया। अब मान लिया वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई प्रकाश की चाल बताओ, ठीक, तो पहला ऑप्शन दिखाएगा 3 × 10⁸ पहले ऑप्शन, दूसरा ये मिलेगा 3 × 10⁻¹, लेकिन बाद में क्या लिख देगा सबके सेंटीमीटर बटे सेकंड लिख देगा, और स्टूडेंट एकदम एक्साइट होकर निशान कहाँ लगा देगा 3 × 10⁸ पे, और वो यही चाहता था। तो 3 × 10⁸ तब है जब मीटर बटे सेकंड हो, और सेंटीमीटर बटे सेकंड है तो 3 × 10⁻¹० ठीक है। क्या है? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। ये तो आपने मुझे बता दिया निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, और इसी की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड, और जैसे उन्होंने बताया ये होती है कांच में, कांच का मतलब गिलास, कांच को क्या कहते हैं गिलास, कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। उसके बाद है जल वाटर, ये होती है 2.25, हमारे हिसाब से क्या है 2.5, कहीं ये 2.5 ही लिखा होता है, बाकी मेरे हिसाब से है 2.25, और ये क्या है जल यानी कि वाटर, वाटर में होती है 2.25। और भी दे रखे हैं बाकी वो रहने दो, ये 3 ही हमें याद रखने हैं। तो पावर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पावर तो सबकी क्या है 10⁸ ही है, अगर हम बात कर रहे हैं मीटर बटे सेकंड की। 1 2 था, 1 3 था, और 1 इन दोनों के बीच में था, 2.25 में लिख रहा हूँ 2.25। तो 2 क्या था कांच, और 3 क्या था वैक्यूम यानी कि निर्वात, और इनके बीच में क्या है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर बटे सेकंड। अगर वो सेंटीमीटर में पूछेगा तो 2 पावर फिर ज्यादा हो ही जाती है, 10⁻¹० हो जाती है, क्लियर या नहीं है क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, मानव के शरीर से संबंधित है, सुनिए और समझिए फिर जवाब दीजिए। बेसिक से क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, मतलब किसी व्यक्ति में रुधिर वाहिका में जो नस होती है वीन्स, ब्लड तो उसमें चलता है ना, उनकी रेडियस कम हो जाए, उनकी त्रिज्या कम हो जाए, तो जो रक्त दाब है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा बोला है उन्होंने, ये बड़ी अजीब सी बात है, आपने घटेगा बताया, आंसर है बढ़ेगा। घटेगा कैसे, जब उसका साइज कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं। आप मान लिया एक पाइप से पानी देना चाहते हैं, तो जो मोटा पाइप लाओगे और जो पतला पाइप होगा प्रेशर किसका ज्यादा होगा, पतले का प्रेशर ज्यादा होगा, तो घटेगा क्यों, बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो मैं आपको जब संविधान पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने ये चीज आपको हिंट किया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, वो आ गया। मैचिंग में क्वेश्चन दे रखा है, चार अक्षर इधर दे रखे हैं, चार अक्षर इधर रखे हैं, शब्द मतलब सॉरी चार शब्द इधर, चार शब्द इधर, मैचिंग करनी है। और मैचिंग किस चीज में करनी है? इधर तो दे रखे हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, और इधर दे रखे हैं उनके हाईकोर्ट। हाईकोर्ट या किसी का हाईकोर्ट ना हो तो किसके हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है। मैं बता रहा था आपको शायद ये बात कि ये क्वेश्चन आता है, तो ये पूछता हूँ मैं आपसे क्या क्या है। पहला पूछा है पुदुचेरी, कह रहे हैं जो पुदुचेरी है इसके हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र कहाँ है, वही मैंने बताया पश्चिम बंगाल। पुदुचेरी कहाँ है वैसे, मतलब पश्चिम में है या पूर्व में है? पूर्व में, आंध्र प्रदेश के आसपास। और पश्चिम बंगाल कहाँ हुआ? ऊपर, बीच में तो अभी उड़ीसा भी है, तो इतनी दूर बना के क्या फायदा भाई, सोचो ना कि क्या कह रहा हूँ। तो पुदुचेरी का है चेन्नई, पुदुचेरी का क्या है? चेन्नई। ठीक, पहले क्या था? मद्रास, समझ रहे हो? जो तीन हाई कोर्ट बने थे उनमें ही था ना, कल भी हम रिवाइज कर रहे थे इस चीज को। फिर देखो 1862 में पहला हाईकोर्ट किसका था? कोलकाता। फिर 1862 में दूसरा मुंबई। फिर 1862 में तीसरा ये जो मद्रास, ये अब क्या हो गया है? चेन्नई। तो जो पुदुचेरी है इसका जो कार्य क्षेत्र है हाई कोर्ट का कहाँ है? चेन्नई, चेन्नई का हाई कोर्ट। क्लियर है बात? उसके बाद दूसरा पूछ रखा है अंडमान निकोबार, ये मैं लिखवाया भी था, समझाया भी था कि भाई ये एग्जाम में आ जा। अंडमान निकोबार कहाँ बताया? कोलकाता में बताया। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए जी, उसके बाद है तीसरा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के आसपास। देखो जहाँ लक्षद्वीप की लोकेशन है उसके आसपास सोचने की कोशिश करो। मुंबई का मतलब महाराष्ट्र कह रहे हो आप, ठीक। और महाराष्ट्र से नीचे क्या है? कर्नाटक, कर्नाटक है। महाराष्ट्र नीचे गोवा, फिर कर्नाटक है, फिर है केरल। आंसर है केरल, क्योंकि लक्षद्वीप के सबसे करीब का क्या पड़ेगा? केरल पड़ेगा, समझ रहे हो? महाराष्ट्र ऐसे जाना पड़ेगा तिरछा, और वो जाना पड़ेगा सामने, तो केरल। हाँ बताया एर्नाकुलम, बाकी स्टेट का नाम क्या है? केरल। ठीक है, और चौथा पूछ रखा है बच्चों दमन और दीव। हालांकि अब दमन और दीव यूटी है या नहीं है? नहीं है। अब तो यूटी हट गई है, यानी केसरी प्रदेश अब तो नहीं आज की तारीख में, लेकिन जब था तो किताब तो भी छपी हुई है। तो दमन और दीव का पूछ रखा कहाँ है? मुंबई। दमन दीव कहाँ है? बिल्कुल गुजरात के आसपास, तो नजदीक क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई। तो हमने अभी चार चीज पढ़ी, दोबारा रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या था? यूटी के हाईकोर्ट का कार्य क्षेत्र कहाँ पे है? ठीक है, तो एक तो आई थी अंडमान निकोबार, ये कहाँ थी? कोलकाता, ठीक। और एक क्या आया था? लक्षद्वीप, केरल में। कहाँ? एर्नाकुलम। एक आया था दमन और दीव, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और एक और था क्या था? पुदुचेरी, चेन्नई। ठीक है, ये इनका हाईकोर्ट के कार्य क्षेत्र। इस तरह से क्वेश्चन आता है और आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रही है बात आपको? थर्मल पावर प्लांट सुना होगा आपने, तापीय विद्युत केंद्र। पहले तो मैं आपको समझाऊंगी थर्मल पावर प्लांट होता क्या। तो आप कहोगे कि जी पावर बनती है, लेकिन पावर बनती कैसे? पावर बनती है कोयले से, उसमें बोलते हैं तापीय विद्युत केंद्र, थर्मल पावर प्लांट। ठीक, तापीय विद्युत ऊर्जा कह देते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा गैसीय प्रदूषक है, पोल्यूटेंट कौन सा है जो गैस की फॉर्म में है, जो सबसे ज्यादा होता है, बताइए। सीधी सी बात ये हो गई, चलो ऑप्शन बताऊं पहले। हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है,
अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कहाँ निशान लगाओगे? बोल जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो तापीय विद्युत केंद्र होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुर्तगाली संस्कृति आई थी भारत में, पुर्तगीज कल्चर है ना, हम एक दो दिन पहले कह रहे थे कि भाई आलू की फसल कौन लेकर आया था, पुर्तगाली लेकर आए थे। तो अभी भी ये सबसे ज्यादा कल्चर संस्कृति भारत में कहां देखने को मिलती है? करेक्ट आंसर है गोवा में आज भी पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष हैं, उनके बनाए हुए बिल्डिंग वगैरह जो है अभी भी मौजूद हैं, जो हेरिटेज प्लेसेस में आते हैं, विरासत स्थल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद बताओ शायद ना बताओ। एक वैक्सीन लगाई जाती है BCG, BCG का टीका, ये कौन सी बीमारी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए। टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी तो शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए लगता है BCG का टीका वैक्सीन, छह रोग इसे कहते हैं हिंदी में, छह क्षत्रिय यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ये तो पढ़ा चुका हूं, वो पढ़ाया था ना क्या, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऐसी क्या चीज है जो हमारे आहार में ऊर्जा देती है, मतलब हमारी बॉडी को ऊर्जा देती है? प्रोटीन। प्रोटीन बोला आपने, ऑप्शन में है क्या? मेटाबॉलिज्म। ये कहाँ है भाई, मेटाबॉलिज्म थोड़ी आ रहा है बेटा, कौन सा खाने से मिला है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब तो मैंने बताया, उपापचय बताया था कि जो मतलब एक इंसान जो बिल्कुल शिथिल है तो उसकी खाना खाने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति धीमी हो जाती है। अगर वो रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो कहते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, उपापचय बढ़ गया, तो उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये तो वो चीज़ है जो हम खाने से लेते हैं, प्रोटीन विटामिन वगैरह वगैरह। तो ये तो सबको पता है कि एनर्जी भी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वो चीज़ ने क्वेश्चन में दे दी। इसने कहा कार्बोहाइड्रेट से अलावा क्या चीज़ है जिससे एनर्जी मिलती है, ये लिखवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको, वसा। आंसर है वसा यानी कि फैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है भारत में? बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सोच के बोलना आराम से। वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें गलत हो रहा है, इसमें रखा है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा है, दोबारा से रिवाइज करते हैं सभी को, पहले गवर्नर जनरल तो था नहीं, पहले तो जनरल था सर। ठीक है, तो जो बंगाल का पहला जनरल था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसने पूछा था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और आंसर दे रखा है रॉबर्ट क्लाइव। तो आंसर क्या होना चाहिए? गलती दे रखा है, यानी कि पहला जनरल था क्या? रॉबर्ट क्लाइव। और पहला गवर्नर जनरल क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल के बाद कौन आया था? वायसराय। वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और फिर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी जी। तो ये बात है, ठीक है, और ये मैं आपको समझा चुका हूँ, बाकी फिर रिवाइज करवा देता हूँ। जनरल में और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? जो जनरल होता था
वो तो केवल बंगाल का था, अलग तीन प्रेसिडेंट सबका अलग, लेकिन जो गवर्नर जनरल होता था वो तीनों के ऊपर हेड होता था। पहले तीन प्रांत हुआ करते थे, तो उन तीन प्रांतों में एक एक जनरल हुआ करता था, लेकिन जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो उनका मुखिया बना दिया गया उसे, तो जनरल से पोस्ट क्या आ गई गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल से वायसराय क्यों बनाया गया, गवर्नर जनरल से वायसराय क्यों बनाया गया, गवर्नर जनरल जो थे वे जब तक कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, फिर जब शासन डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथ में गया तो उन्होंने वो वायसराय बना, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अधिकार थे, और हमने पढ़ कहा है कि धीरे धीरे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार खत्म कर दिए गए थे चार्टर एक्ट के द्वारा, तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में था सब कुछ तो वो था गवर्नर जनरल, लेकिन जब सारे अधिकार किसने ले लिए ब्रिटेन ने, तो उसका नाम भी बदल गया, नाम हो गया वायसराय, हिंदी में भी वायसराय है और इंग्लिश में भी वायसराय ही लिखा जाएगा, VICERY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, काबुल, बाबर की मृत्यु हुई थी काबुल में हुई थी, ठीक, और बाबर का जो जिक्र आया है ये बताओ, ये ऑप्शन में भी ऐसा कुछ समय से, ठीक है, बाकी बाबर की मृत्यु हुई कौन से सन में थी, 1530 में, तो जैसा मैं एक दो दिन पहले बता रहा था इतिहास की बात है, मुगल वंश की स्थापना की थी किसने, बाबर ने, उससे पहले क्या था लोधी वंश था, इसकी स्थापना हुई थी बहलोल लोधी के द्वारा, बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का बेटा था इब्राहिम लोधी, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, डेट क्या है 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी की सेना थी 1,25,000 और बाबर की सेना थी 15,000-20,000 लिखा जाता है, ये आंकड़े हैं लगभग कहीं 30 है कहीं 20 है कहीं 15 है, तो 15-20,000 के आसपास मैं कह रहा हूँ किसकी सेना थी बाबर की, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया क्योंकि उसके पास तोपखाना था, उस समय तोपखाना कोई नहीं जानता था, तो ये तोप यानी कि कैनन लेकर आया था, जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी जैसे शख्सियत को भी इसने हरा दिया, और लोधी वंश की समाप्ति हुई और भारत में मुगलों की एंट्री हुई, मुगल वंश शुरू हुआ, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, हर साल ही लड़ा है, अब 1527 में लड़ा फिर, तो कौन सा युद्ध है 1527 में खानवा का युद्ध, किससे हुआ, राणा सांगा से हुआ, राणा सांगा को हराया, राणा सांगा कौन था राजपूत, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया 1527 में, फिर 1528 में लड़ा चंदेरी का युद्ध, ये लड़ा मेदिनी राय से लड़ा, फिर 1529 में लड़ा घग्गर का युद्ध अफगानों से, और 1530 में इसकी मृत्यु, ठीक, जो स्टूडेंट अभी ज़्यादा अच्छे नहीं है जीएस में, क्योंकि हिस्ट्री है कभी ज्योग्राफी है कभी कुछ है, सब मैं कहता हूँ ना प्रैक्टिस की वजह होती है, सब प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करते रहो पढ़ते रहो तो सब ईजी लगता है, अब कोई स्टूडेंट अचानक 12th लेवल से आया हो या कोई BCA या BTech कर रहा हो उसका तो कभी वास्ता पढ़ानी है इन चीज़ों से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वे एकदम सुनते ही साथ ही दिमाग में स्ट्राइक कर जाए बातें, अभी तो आप एक माहौल में आए हो, धीरे धीरे सब चीज़ें फिर होंगी, वो भी तब होंगी जब आप सीरियस रहोगे अपने काम को लेकर, तभी होंगे ना, मेरा काम तो आपको रिवाइज करवाना है, समझाना है, टेस्ट लेने हैं, आपको बूस्टअप करना है, वो सब मैं काम आपके लिए कर ही रहा हूँ हर तरह से। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बच्चों, जिससे हुई बाबर और इब्राहिम लोधी की, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा को हरा दिया, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय को हरा दिया, और 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ, अफगानों को हरा दिया, और 1530 में खुद मर गया, कौन, बाबर, और फिर बाबर का बेटा था हुमायूं, तो हुमायूं का कार्यकाल चल जाएगा 1530 से 1556 तक, 1530 से 1556 तक, और हुमायूं का बेटा कौन है, अकबर, अकबर चलेगा 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक होगा अकबर का कार्यकाल, अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर, 1605 से 1627 तक, 1605 से, और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां, 1627 से 1657 तक, 1657, और
शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। 1657 से 1707 तक, ठीक, इसके बाद भी है, लेकिन जो अंतिम ताकतवर मुगल सम्राट था वो औरंगजेब ही था। और 1707 में लगभग मुगल का किला ढह गया था, फिर तो इनके बस थोड़े से जो वंशज हैं वे आते रहे और धीरे धीरे खत्म हो गया क्या मुगल वंश। फिर भी जो अंतिम मुगल सम्राट है वो आप जानते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट है, जिसे बहादुर शाह सेकंड भी कह देते हैं, द्वितीय है, वो बहादुर शाह जफर, ठीक है। अच्छा वही मैं कहता हूँ लिंक बना लिया करें, जो याद हो जाए हो जाए, जो याद ना हो उसे लिंक बना लो। जैसे खान हुआ राणा सांगा आकरंडा, खान हुआ राणा सांगा, चंदेरी मेदिनी एक ही मात्र, चंदेरी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हो जा, हम कुछ देखेंगे या कुछ दिमाग में जाएगा, कुछ लिंक काम जरूर करेगा, करेगा ही करेगा, और अपना नंबर बचा देगा, ठीक है, उसका ध्यान रखें थोड़ा सा। तो भाई अगला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, अगर पत्थर को ठोकर मार दें तो व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? अब साइंस का है तो साइंस के हिसाब से आंसर देना, मतलब अगर पत्थर को ठोकर मारे हैं तो व्यक्ति को चोट लगती है, इसका कारण क्या बताया गया साइंस के हिसाब से? बेसिक सी बात है साइंस के हिसाब से, कल परसों पढ़ाया गया था, जितना फोर्स हम किसी चीज को लगाने वापस में होगी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन के तीन नियम होते हैं, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन। तो फिर मैं वही रिवाइज करवा दूं, पहला रूल क्या था न्यूटन का? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या था? एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। और तीसरा क्या था? क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। न्यूटन की बुक का नाम क्या है? न्यूटन ने किताब भी लिखी थी, उसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया, प्रिंसिपल पे आधारित है, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपिया, पी आर आई एन सी आई पी आई ए, लिखी गई थी 1667 में, 1667 में, 1667 में ये किताब लिखी गई थी न्यूटन के द्वारा। और न्यूटन भी ब्रिटेन का था, न्यूटन भी ब्रिटेन का था, जिसे आप इंग्लैंड भी कह सकते हो, ये बात मैं चर्चा कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायनेमो जिसकी हम बात कर रहे थे यानी कि जनरेटर, ये कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल और विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल में, क्यों? कुछ मतलब लॉजिकली समझा पाओगे? देखो जो भी चीज पेट्रोल से या डीजल से चलती है उसे आप बोलोगे यांत्रिक ऊर्जा। हिंट बना रहा हूं मैं आपको, क्या चलेगी? यांत्रिक ऊर्जा। तो जो जनरेटर चलेगा तो पेट्रोल से चलाओगे या डीजल से चलाओगे, ठीक है? तो तुरंत याद रखना चाहिए क्या? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी। और उसका काम क्या होता है? बिजली बनाना। तो बाद में क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और एग्जाम्पल लेते हैं मोमबत्ती, कैंडल, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? केमिकल टू लाइट। वेरी गुड, केमिकल टू लाइट और हीट भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत हीट भी देगा और लाइट भी देगा, क्योंकि वो मोम से बना होता है वैक्स, और वो क्या होता है? केमिकल। तो केमिकल से या तो लाइट मिलने वाली है या हीट मिलने वाली है, ऊष्मा मिलने वाली है, ये मोमबत्ती हो गया। एक दो पीरियड पहले जब मैं आपको साइंस का एक पीरियड पढ़ा रहा था एनर्जी, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक डायग्राम समझाया था, पूरा डिस्क्रिप्शन करके, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताया था मैंने ये तीन पॉइंट पे निकाला था ए बी सी पे, और उन तीनों पॉइंट पे जो है टोटल एनर्जी सेम आई थी। तो ये वही तो है, ये कहा गया है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रही, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जो उसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट थी और कांस्टेंट ही रहेगी। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी लगातार एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, फिर मैं रिलैक्स कर लूँगा, खा पी लूँगा तो फिर रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी लाइट दे रही है,
तो फिर ये एनर्जी कहीं खत्म नहीं हुई, वो कहीं स्टोर है, वो फिर वापस कोई और ले लेगा। ये कहा गया है सिद्धांत के द्वारा कि एनर्जी बस रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, बाय द वे ये जो है एलईडी, ये सीधा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, यानी कि विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है प्रकाश ऊर्जा। ठीक, मोटर बताओ, जो मोटर होता है पानी निकालने वाला मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। रटना नहीं होता कुछ भी, ध्यान से सुनते रहो। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, क्योंकि चलना तो बिजली से ही है, तो लाइट तो साहब को देनी पड़ेगी। और इंसान उसने काम में ले रहा है, कोई पशुओं का चारा काट रहा है, तो कोई आटे की पिसाई करवा रहा है, या कोई पानी निकाल रहा है जमीन से, तो ये सब क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा को बदलेगा किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन? विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का जो बुलबुला होता है, बबल ऑफ सोप, इस पे जब सफेद लाइट डाली जाती है तो इसका रंग कुछ अलग सा दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? साइंस में कौन सी घटना कहा जाएगा? आंसर है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। तो सफेद प्रकाश का मतलब तो सनलाइट ही है, क्योंकि सनलाइट में ही तो क्या होता है, सफेद, जो फिर सात रंग होते हैं ना उसके अंदर, सेवन कलर्स होते हैं, VIBGYOR जैसे कि आप जानते हैं। तो परावर्तन, रिफ्लेक्स, जैसे हमने एटमॉस्फेयर के चैप्टर में भी पढ़ा था कि सनलाइट आती है और फिर टकरा के फिर उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसी की वजह से जो आपको याद आ रहा ना, वो क्या कह रहे थे भैया, परकिरण, स्कैटरिंग, वो है आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, वो क्वेश्चन नहीं है, ये तो साबुन के बुलबुले की बात होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ, जो सुई है वो पानी में तैरती रहती है, जबकि सॉरी उल्टा बोल गया, जो सुई है वो डूब जाती है जबकि पानी का जहाज तैरता रहता है, ऐसा बोला जाता है ना कि भाई छोटी सी चीज है वो तो डूब जाती है पानी, और इतना बड़ा जहाज बना रखा वो तैरता रहता है, कौन से सिद्धांत के अनुसार? सिद्धांत पूछा है मैंने, सर टर्म नहीं पूछी मैं, सिद्धांत पूछा था, सिद्धांत का नाम दो। आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, ठीक है, आर्किमिडीज कौन से देश के थे? ग्रीक, यूनानी। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कोई बताएगा? कोई वस्तु पानी में डालने के बाद जितना पानी हटाए और वो उसके भार के बराबर हो जाए तो वो कभी वस्तु डूब नहीं सकती, वो हमेशा तैरेगी। मतलब जैसे ही पानी में कोई चीज डाली गई, वो नाव हो, जहाज हो, कोई छोटी सी चीज, ठीक है, तो अगर वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर दे जितना उसका खुद का भार है तो वो वस्तु कभी भी डूब नहीं सकती। तो ये जो जहाज है, नाव है, इनका डिजाइन स्ट्रक्चर इस तरह से ही बनाया जाता है कि ये दोनों चीज इक्वल हो जाती हैं और वो चीज डूबती नहीं है। ये प्रिंसिपल दिया था आर्किमिडीज ने। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज है उसमें, तो भाई ये कहा गया है कि अगर कोई चीज हम पानी के अंदर नीचे की तरफ दबाते हैं तो हाँ तो ऑटोमेटिक ऊपर भी फोर्स बन के आएगा, जैसा आप कह रहे हो गिलास दे दिया उसे छोड़ दो तो अपना भी फुदक के बाहर आ जाएगा, तो वही है बस उत्प्लावन। लेकिन जो ये तैरने का नियम दिया था वो दिया था आर्किमिडीज ने, ये अंतर। माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि साउंड टू मैकेनिकल। क्या ये सही कह रहा है, संशोधन करना चाहोगे कुछ, या फिर ये सही है? चलो एक बार बताओ, माइक्रोफोन का काम क्या होता है? साउंड निकालना। मैं कुछ फिर कुछ बोलूंगा, साउंड कहां से निकाल दूं? हमारे मैं बोल रहा हूं तो मैं तो माइक्रोफोन नहीं लगा रखा, साउंड भी निकल रही है भाई, अच्छी खासी वहां तक भी जा रही होगी। या तो एग्जैक्ट बताने की कोशिश करो, माइक्रोफोन का काम क्या होता है? माइक्रोफोन का काम होता है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का।
यूज तो इसके ऊपर भी होते हैं, बाकी एक यूज ये भी होता है। कैसे समझाता हूँ, देखो मान लिया मैं यहाँ क्लास में हूँ और मुझे ऑफिस में एक ऐसा सिस्टम करना है कि जो मैं यहाँ बोलूँ मुझे वहाँ वो सुनाई दे। तो एक तो तरीका ये है कि मैं बाहर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाऊँ, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट ही पहुँचा दूंगा, मुझे तो किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कुछ सही नहीं है, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो माइक्रोफोन में क्या होते हैं, दो डिवाइस होते हैं, तो होता है रिसीवर, एक होता है ट्रांसमीटर। ठीक, एक यहाँ लगेगा और एक लगेगा ऑफिस में। यहाँ कौन सा लगेगा, ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करेगा, और वहाँ क्या लगेगा, रिसीवर जो रिसीव करेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब जब मैंने यहाँ बोलना शुरू करा तो उस रिसीवर ने जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंग, वो ले ली। लेकिन साउंड वेव तार के अंदर नहीं चल सकती, साउंड वेव ऐसे चलेगी हवा में, एटमॉस्फेयर में चलेगी, जिसके हिसाब सुन पा रहे हो मेरी बात, वहां चलेगी इलेक्ट्रिक वेव। यानी कि वो जो ट्रांसमीटर है उस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस तार के द्वारा वहां तक जाएगा। लेकिन अब मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सुन नहीं सकता, वहां फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड सिग्नल में फिर चेंज होगा, और जिसे मैं किसी स्पीकर के द्वारा फिर उसे सुन पाऊंगा। अब सोच के बोलो, माइक्रोफोन कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करेगा, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, करेगा नहीं करेगा। इसका उल्टा होता है लाउड स्पीकर, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, क्योंकि लाउड स्पीकर मतलब क्या होता है, सिग्नल बड़े करना, आवाज नहीं जा रही तो पूरे मोहल्ले को सुनाना, यही तो होता है लाउड स्पीकर का काम। ठीक, आपने तो वो किससे जुड़ेगा, इलेक्ट्रिकल से सीधा, और वो जो साउंड सिग्नल है ज्यादा कर देगा। तो इसका उल्टा क्या होता है, लाउड स्पीकर, किसका उल्टा, माइक्रोफोन का उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, जो माचिस की तीली होती है, मैच बॉक्स, जो मैच स्टिक है, उसकी नोक पर क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस लगा होता है। हालांकि फास्फोरस भी सफेद भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन ये लगाता है रेड फास्फोरस। चलो जी, ये बात तो हो गई। लेकिन जब हम उस माचिस की तीली को उस माचिस पे रगड़ते हैं, माचिस के एक हिस्से पे भी तो रगड़ते हैं, उसमें क्या लगा, याद आ रहा है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो तब जाके फिर अग्नि बनती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि फार्मिक एसिड किन में पाया जाता है, चींटी है ना, जितने भी ये छोटे मोटे कीटाणु हैं, चींटी, चीटा, इनके काटने से जो एक थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, हल्की सी खुजली होती है, वो फार्मिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, नींबू में, खट्टे फलों में। और एक क्वेश्चन कहा है टार्ट्रिक एसिड, मैचिंग में क्वेश्चन था ये जो मैंने अलग करके बोल दिया, टार्ट्रिक एसिड नहीं, इमली, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में। ठीक, संस्कृत की व्याकरण किस लेखक ने लिखी है, व्याकरण तो समझती है, ग्रामर, संस्कृत की भी व्याकरण किसने लिखी है, पाणिनी, 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 तो जो है संस्कृत की व्याकरण लिखी है पाणिनी ने। नेक्स्ट, ध्वनि नहीं गुजर सकती, साउंड कैन नॉट पास थ्रू, चार ऑप्शन दे रखे हैं, दीवार बता दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन दे रखे हैं जल, वाटर से भी गुजर सकती है, स्टील से भी गुजर सकती है, वायु में भी गुजर सकती है, और देखा निर्वात यानी कि वैक्यूम, तो ध्वनि जो है वैक्यूम में पास नहीं हो सकती,
इसके लिए कोई ना कोई मीडियम जरूरी है। वही बात, मेरी बात आप सुन पा रहे हो, यहाँ की मीडियम है नहीं है, क्या है वायु, इसलिए सुन पा रहे हो। अगर मन यहाँ निर्वात कर दिया जाए तो बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं दे सकती। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में पास नहीं होती, वैक्यूम में नहीं गुजर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? मतलब जो आग पेट्रोल से लगती है उसमें पानी जब छोड़ोगे डालोगे बहुत मुश्किलों में बुझेगी, इतनी जल्दी नहीं बुझेगी। जो पेट्रोल से आग लगती है वो बुझेगी, फिर एकदम भड़क जाएगी, फिर बुझेगी। हम कहते हैं जब तक कि पेट्रोल खत्म ना हो जाएगा जलते रहेगा। मतलब कि कपड़ा है डीजल में और पेट्रोल में आप भिगोगे उसमें आग लगा दो तो पानी घेरोगे तो दब जाएगी फिर भड़क जाएगी, ऐसा होता है। तो पूछा है क्यों होता है ऐसा, ऑप्शन पे सवाल है तो ऑप्शन बता देता हूँ आपको, आंसर ही बोल देता हूँ सीधा जो दे रखा है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, वाटर और पेट्रोल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अच्छा जलता रहता है। देखा, मतलब पेट्रोल तो रहेगा ऊपरी सरफेस पे, मिक्स एक दूसरे में हो नहीं सकते, तो जैसे पानी गिरेगा वो पेट्रोल जलता ही रहेगा और जल का उस पर इफेक्ट कोई होने का। अगर ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पानी में पेट्रोल डालो उसकी बूंद नहीं दिखाई देती अलग, तो वह मिक्स नहीं हुआ ना, इसलिए तो नहीं दिखाई देती है। ये क्वेश्चन आता है साइंस में कि अगर हम पानी में पेट्रोल की बूंदें डाल देते हैं तो वो सरफेस पे क्यों दिखाई देती हैं, किस घटना की वजह से? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला याद है किसी को, सरफेस टेंशन का? ये होता है टी बराबर एफ अपॉन एल, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो टी का मतलब तो टेंशन होगा, पृष्ठ तनाव, और फोर्स अपॉन लेंथ, बल बटे लंबाई, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन होता है, और लेंथ का क्या होता है? ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव होता है, बाकी और बाद में पढ़ेंगे। अब आप देख रहे होंगे जैसे मैं बोल बोल कर सुना रहा हूँ समझा रहा हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही सारी किताबें हैं जो बिल्कुल क्रीम कहते हैं इसे, बस पढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए जो शायद है या नहीं, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और करते रहते हैं सब चीज़ें हो जाती हैं। एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं। कुछ रत्न होते हैं महंगे रत्न ज्वेल, जैसे नीलम सुना होगा, नीलम, नीले रंग का जो डायमंड होता है उसे नीलम कहते हैं। एक होता है रूबी, ये होता है लाल रंग का, ये जो खान नहीं होती माइंस खोदते खोदते वहाँ मिला करते थे, अब तो खैर नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, अब तो सुनने में नहीं आता कभी मोस्टली, लेकिन लाल रंग का कुछ डायमंड मिल जाए, नीले रंग का मिल जाए तो उसे नीलम कह देते थे और लाल रंग को कह देते रूबी। तो क्वेश्चन ये है कि जब जमीन से चीज निकल रही है तो ये दोनों किस धातु के ऑक्साइड हैं, कौन सी धातु है, कौन सी मेटल के ऑक्साइड होते हैं? आंसर है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन सुन आ गया आपको, कल परसों हम एल्यूमिनियम के आयस नहीं पढ़ रहे थे, कौन कौन से होते हैं? क्या पहले क्या बोला? बॉक्साइट, दूसरा बोला था क्रायोलाइट, वो बोले थे एल्यूमिनियम के। तो ये अयस्क में भी तो क्या होता है? एल्यूमिनियम होती है, तो इनमें भी ये भी क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। क्या बताया मैंने? नीलम और रूबी। लास्ट क्वेश्चन आज का, जो फोटो सेल होती है प्रकाश सेल, वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? फोटो सेल समझते हो? रेडिएशन को ऊर्जा नहीं कह सकते ना, ऊर्जा बताओ। फोटो सेल क्या होती है, किससे चलती है? फोटो सेल नहीं समझते, तो प्रकाश से तो चलती है, उसे तो लाइट, प्रकाश ऊर्जा तो से मिलेगी,
तभी वो काम करेगी, यानी कि लाइट एनर्जी तो उसे मिलनी चाहिए। और बाद में वो सारे काम होते हैं जो बिजली करती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा को बदलेगी विद्युत ऊर्जा। समझा देता हूँ इसे कैसे बदलती है, समझा तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ जैसे मैं बोलता हूँ आपसे। फोटो सेल, आजकल तो जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उन पर भी लगा देते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वो तो लगातार पड़ती रहती है, तो खुद ही चार्ज होते रहते हैं, कभी डिफ्यूज ही नहीं होते। लेकिन एक सर छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, पृथ्वी पे आपने कभी किसी शोरूम वगैरह में गए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा खुद ही गेट खुल जाता है ना, जैसे आदमी आएगा थोड़ा खड़ा हो वो गेट खुल जाता है, फिर जैसे आदमी अंदर जाएगा वो बंद हो जाता है, ऐसे है ना। तो होता क्या, होता ये है कि वहाँ पर एक फोटो सेल लगी होती है उसके बॉटम पर, कोई आदमी नहीं है उस पर लाइट आ रही, लाइट जब तक पड़ती रहेगी उस पर वो बंद रहेगा, जब आदमी उसके आगे आ जाएगा तो लाइट पड़नी बंद हो जाए या लाइट कम हो जाए, जैसे वो लाइट कम हो जाए फिर आदमी चला जा और लाइट फिर पड़नी शुरू हो जाए वो फिर बंद हो जाए। तो ये क्या है, फोटो सेल जो प्रकाश ऊर्जा से काम करते हैं। फिर इनकी जो है क्वालिटी इंप्रूव की गई, पहले तो ये सन एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, आजकल तो इतनी क्वालिटी इंप्रूव है कि इस लाइट से भी काम करेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑफिस हैं वहाँ अंदर भी तो लगे हुए हैं, तो वहाँ पर लैंटर में छेद करके थोड़ी सनलाइट जानी है, तो लाइट चाहिए अब तो, इतना इम्प्रूव हो चुका है मामला, ठीक है। बाकी ये होती है फोटो सेल, ठीक। बस आज ये इतनी, बाकी फिर आगे करेंगे।